उधर मध्य प्रदेश के रीवा में हैवानियत हुई, इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई। आरोपियों को लगा कि रेप कर बच जाएंगे। आरोपियों ने रेप कर भागने का पूरा प्लान भी बना लिया था, लेकिन मोहन यादव सरकार का एक्शन हुआ और अब गैंग रेप करने वाले आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहे। आरोपियों ने पूरी साजिश कैसे रची थी और कैसे आए पकड़ में, देखिए डिटेल इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में आई इन आरोपियों की चाल बता रही है पुलिस ने कैसे इनका चाल बिगाड़ दिया है। कोई लंगड़ाते हुए चल रहा है तो किसी से दो कदम भी ठीक से नहीं चला जा रहा है। हाथों में हथकड़ी है, चारों ओर भीड़ खड़ी है। कानून के डर से आरोपी कांप रहे हैं। उन्हें भी मालूम है जो हैवानियत उन्होंने की उसकी सजा फांसी भी हो सकती है। चेहरे पर मास्क लगा है, आज चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है, लेकिन पाप करने से पहले ये चेहरे क्या कर रहे थे वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। ये देखती जो चल रहा है आज इस जंगल में, जंगल में ये देखिए, ये जंगल में मंगल हमारे बच्चा रे, ये चीज पता नहीं हमें कहां ले आया गया है, पार्टी बैठी है। वीडियो में दिख रहे ये वही आरोपी है जिनके चेहरे पर आज मास्क लगा है, लेकिन उस दिन ये नशे में थे, शराब पार्टी की जा रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है दो आरोपी सामने बैठे हैं, एक आरोपी वीडियो बना रहे शख्स के बगल में बैठा है जबकि एक दाहिने ओर बैठा है। आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान है और आरोपी खुद हाथ हिलाकर वीडियो बना रहा है। पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहाँ गए थे घूमने, वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए, और उसके साथ ही मुझे ज़बरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था, अचानक एक लड़की और लड़के आए स्प्लेंडर से। तुम काफ़ी नशे में थे? हम बहुत ज़्यादा नशे में। कितने लोग थे? हम पांच लोग थे, तीन लोग साइकिल से आए थे। मैं वो करने के बाद वो सब जो किए, फिर वो लड़की मेरे पास आई, बोली भैया मोबाइल दिला दो मेरी, तो फिर हम जो मतलब मोबाइल लिया था उससे जबरदस्ती छीनकर उसको हमने मोबाइल भी उसकी दिलवाई। 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के रीवा में रामकिशन कोरी, गरुण कोरी, रावेश गुप्ता, सुशील कोरी और रजनीश कोरी ने गैंग रेप किया। पिकनिक मनाने गए दंपति के साथ हैवानियत की। दीपक कोरी, राजेंद्र और लवकुश ने वारदात में सहयोग दिया। रेप का वीडियो बनाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, मुंह खोलने पर वीडियो वायरल करने की बात कही गई। आठों आरोपी पुलिस के शिकंजे में है, जिसने जो कुछ किया है जैसा किया है पुलिस सबका हिसाब करेगी। थाना गुड़ अंतर्गत जो गैंगरेप की घटना थी उसमें सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया है, जिसमें कुछ आरोपियों को हमने पीआर पे लिया है, उसको जेल में पेश किया है। तीन आरोपियों को जेल दाखिल किया है, बाकी आरोपियों एक दिन की पीआर पर है। लड़के को पीटा गया, मारपीट कर उसके मोबाइल और बाइक की चाबी छीन ली गई। शराब लेने गए तीन आरोपियों को भी फोन कर बुलाया गया, जल्दी से जल्दी वारदात वाले स्पॉट पर आने को कहा गया। हम लोग वहाँ से लौट रहे थे, थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके दो मिनट के लिए पति पार्टी, फिर हम लोग क्या किए मतलब आए गुंडे, पहला एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए, फिर चार गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे, फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों मार रहे हैं,